हम इस नुस्खे में शामिल चीज़ों की तफसील भी आपको बता रहे हैं। सर से पांव तक जिस्म की दर्दों और सेहत का नुस्खा। गुंद कतीरा के अलावा गुंद बबूल और गुंद कीकर भी है। किसी भी दरख्त के तने और शाखों पर सुर्ख सफेदी माइल गूंद निकलती है। ये गर्मी सर्दी में मोतदिल है, सीने और गले की खुश्की और बलगम को दूर करती है। फेफड़े के ज़ख्म पेचश इस हाल में इस्तेमाल कराया जाता है। सिलानुरहम और जरियान खून के लिए भी बहुत मुफीद है, मैदे को ताकत देती है। पूरी दुनिया में गजाइत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फूल मखाने में कैलोरीज कम होती है, फाइबर ज़्यादा होता है और शुगर को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है। ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने के लिए और स्किन की प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जिल्द को पत की तरह नरम और नाजिक कर देता है, जिस इसके अंदर पाए जाने वाले अज्जा फौरी तौर पर तवानाई पैदा करते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती और मोटापा कम होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रखता है। डिप्रेशन में कमी आती है और नींद भी अच्छी आती है। दिमाग को सुकून पहुंचाता है। फूल मखाने एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चाहिए कि इनको इस्तेमाल करें। ये गुर्दों को भी ताकत देते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ात में इजाफा होता है। मिद्दा की बीमारियों में बे इंतहा मुफीद हैं। मखाने जिस्म से जहरीले मादे भी बाहर निकालते हैं, खून को साफ करते हैं, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। लकोरिया झाइयाँ इन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो औलाद से महरूम हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें। मर्दों और औरतों की बीमारियों में इसका अलसी के फ़ायदे। फिलिक्स सीड आपके बेहतरीन दोस्त, इसको इस्तेमाल करें और सेहत की तरफ कदम बढ़ाएं। दिल की सेहत, कोलेस्ट्रॉल, निज़ाम, जोड़ों के दर्द, शुगर, वज़न में कमी के लिए ये बेहतरीन है और ये दिमाग के सुद्दे खोलता है। जुकाम में नाफे है, बलगमी खांसी में आराम देता है, मसाने और गुर्दे की पथरी निकालता है, हर किस्म का वरम और सोजश दूर भगाता है, बवासीर और जहनी बीमारियों से राहत मिलती है। बादाम दिल और दिमाग को मजबूत करता है, मोटापा सुस्ती ख़त्म करता है, हमेशा जवान रखता है। भिगोए हुए बादाम में विटामिन B17 होता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद देता है। बच्चों के आसबी निज़ाम की बढ़ोतरी करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम करता है। ये रगों की खुश्की, दिमाग की गर्मी ज़ाइल करता है, सर दर्द में आराम देता है। इसमें मछली से ज़्यादा गजाइत है, अंडों से ज़्यादा हयातीन मौजूद है। ये दांत मजबूत करता है। चार मगज़ कद्दू मगज़, तरबूज मगज़, खीरा मगज़ और खरबूजा मगज़, ये अल्लाह की ऐसी नेमत है जो जिस्म में गर्मी के साथ साथ खुश्की का भी खात्मा करती है। दिमागी कमजोरी और बोलने की बीमारी में बेहतरीन दुआ है। बहुत ताकत बख्श है, चेहरे की रौनक बहाल करती है। ये चार मगज़ का इस्तेमाल नज़र की कमज़ोरी में भी किया जाता है। तिल हाफ़ज़ा बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है। ये गोश्त, अंडे की सर्दी, माश में वफर मकदार में मिलता है। लेसिथिन की कमी के बायस इंसान के असाब कमज़ोर हो जाते हैं और वह जहनी मरीज़ बन जाता है। दिल की तामीर के लिए तमाम अज्जा इसमें मौजूद हैं। जिस्म के गले सड़े खुलियों की तामीर और मरम्मत में हैरत अंगेज़ करिश्मे दिखाता है। ये सरतान, दिक, खून की कमी का बेहतरीन इलाज है। जवानी कायम रखने के लिए बेनज़ीर तोहफा है। बवासीर का खून बंद करने का इलाज है। खांसी, हलक की खराश, बालों को स्याह करना और लंबा करने का इलाज है। रंग को निखारता है। अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। सूरजमुखी के बीज हड्डियों, जोड़ों और अज़लात के दर्द को दूर करते हैं, खून की कमी दूर करते हैं, जिल्द को चमकदार और खूबसूरत बनाते हैं। बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। सूरजमुखी के बीजों में 40-42% खुरदनी तेल और 22% लहमियात होते हैं। विटामिन A, K, B, E और C काफ़ी मकदार में पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जहनी दबाव और डिप्रेशन को दूर करते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी दूर करते हैं, जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है, हमारे दिल को बेहतरीन काम करवाते हैं, गैस एसिडिटी से निजात मिलती है। सौंफ से बदहजमी, कब्ज़, दिमागी कमज़ोरी, मुंह की बदबू, खांसी, मैदे की बीमारियों का शाफी इलाज है। मसाने और गुर्दे में पथरी नहीं बनती, लकोरिया में मुफीद है। बढ़ी हुई चर्बी कम होती है। लोग इसे आम इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं, लेकिन ये अपने अंदर गजाई कमालात छुपाए हुए हैं। ये कुदरत का ख़जाना है। गैस की तकलीफ दूर करती है, सांस की नालियों को साफ करने में मदद देती है,
सीने और मेदे की जलन को दूर भगाती है, कब्ज जैसी बीमारी को भी ख़त्म करती है। का इस्तेमाल होता है।